बंधुआ मजदूरों की तरह काम करता था, आप सब परिचित हैं। सूरज उगता था और डूबता था, तब तक वो काम करते रहते थे। कोई रिकग्निशन नहीं होता था, कोई टाइमिंग्स नहीं होती थी, कोई वेजेस फिक्स नहीं होते थे। जिसका जैसे दिल करता था वैसे इस्तेमाल करता था। धीरे धीरे हुआ ये कि हम लोग आगे बढ़े। हमारे फोर फादर्स की अगर हम बात करें तो हमारा कोई रिकग्निशन ही नहीं था एम्प्लॉयमेंट के अंदर। जब बाबा साहब इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर लेबर मिनिस्ट्री का जो एज ए मेंबर उनको जिम्मेदारी थी, तो तब उन्होंने पहली बार हमारे लोगों के लिए, समाज के लिए, महिलाओं के लिए कि टाइमिंग्स फिक्स हो, एक घंटे का लंच हो, महिलाओं को मैटरनिटी लीव मिले, ये तमाम चीजों के ऊपर बात की गई और उसको लागू किया गया। अभी प्रोफेसर वंदना जी ने भी बताया कि हमारी जो पॉपुलेशन है, अगर हम 125 करोड़ की बात करते हैं तो लगभग 30 करोड़ की पॉपुलेशन अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की है। लोग ये सोचते हैं कि इनको रिजर्वेशन मिला है तो इन लोगों ने बहुत फायदे उठा लिए, बहुत काम कर लिया है। लेकिन अगर जितने भी डिपार्टमेंट्स की बात करें हम, चाहे वो गवर्नमेंट के हों, पीएसयूज के हों, तो हमें नहीं लगता कि 10 लाख से ज्यादा लोगों ने इसका फायदा उठाया होगा। तो जैसे इन्होंने कहा कि ऊंट के मुंह में जीरा, ये बिल्कुल सही बात है कि पहले एक टाइम ऐसा था कि जॉब्स ज्यादा थी लेकिन उस तरह के लायक कैंडिडेट्स नहीं हुआ करते थे। लेकिन अभी हमारे समाज में आजादी के बाद जो अवेयरनेस आई है, जो कॉन्शियसनेस आया है, तो अभी बहुत सारे हमारे लोग, हमारे बच्चे पढ़कर निकल रहे हैं, आईआईटी से निकल रहे हैं। सो जो परसेंटेज ऑफ रेशियो है वो बहुत ही कम है। आज जितने भी, जैसे आप बात करें आईआईएम की बात करें, आईआईटी की बात करें, मेडिकल इंस्टीट्यूट की बात करें, बहुत जो लोग हैं हमारे वो निकल के आ रहे हैं। लेकिन अभी हो ये रहा है कि अभी भी जो जो कल्चर है, जो डेवलपमेंट है, जो एम्प्लॉयमेंट का सिस्टम है, सरकारें क्या कर रही हैं, पहले लोग को ढूंढ के लाते थे कि भाई जॉब कीजिए, तो हुआ ये कि भाई पहले इस लायक लोग नहीं हुआ करते थे। लेकिन अभी क्या है, अभी लोग लायक हैं लेकिन जॉब नहीं है। और जिस तरीके से एम्प्लॉयमेंट का प्रोसेस बदल रहा है, जिस तरीके से लोगों को रिक्रूटमेंट का प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है, तो वहां पर हम लोगों के लिए जगह कम है। अगर आप 2-3 चीजों की बात करें, डिफेंस, पुलिस, ये सर्विसेज को छोड़कर बाकी सब जगह प्राइवेटाइजेशन आ चुका है। मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा कि आज की डेट में हम लोग बहुत सारे लोगों की नजरों में हैं, राइट। तो अपॉर्चुनिटी जो हायरार्की थी, जो एक सिस्टम था कि भाई जो शूद्र, ब्राह्मण और वैश्य, इस तरीके से 4 भागों में विभाजित हमको कर दिया गया और एक ही कम्युनिटी के पास बिजनेस व्यापार चला गया। अब आप देखिए, हम लोगों को वो मौका ही नहीं मिला कि हम व्यापार में जाके अपना वो मुकाम हासिल कर पाए। डिक्की में भी जितने ज्यादातर लोग हैं वो फर्स्ट जनरेशन है जो अपना बिजनेस अपने आप में कर रहे हैं। वहां पर भी बहुत सारी कंडीशन होती हैं लोन लेने के लिए, 50 तरह की बातें मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा हम लोगों ने क्या क्या अचीवमेंट्स किया। रिसेंटली 28 तारीख को एक बहुत बड़ा प्रोग्राम दिल्ली जल बोर्ड का, हमने एक प्रोजेक्ट हम लेके चल रहे थे और 28 फरवरी को माननीय श्री केजरीवाल जी के हाथों से 200 लोगों को सीवेज मशीन जो ऑटोमेटिक पहली बार हिंदुस्तान में आ रही है, इसका इनॉग्रेशन है। और वो पहली बार ऐसा हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन में कि किसी पर्टिकुलर के सफाई कर्मचारी के लिए प्रोजेक्ट बनाया गया हो और 200 दिल्ली के परिवारों को प्रोजेक्ट मिला 7 साल के लिए, तो एक ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो 70 साल इस देश को आजाद होने के बाद भी हमारा जो रिकग्निशन है वो अभी भी बहुत कम है। मेरा जैसे टॉपिक था कि बी अ जॉब गिवर नॉट अ जॉब सीकर, मैं उसी पे आ रहा हूँ। मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया था
94 में उसके बाद 4-5 साल जॉब करने के बाद वही प्राइवेटाइजेशन कंपटीशन. देन आफ्टर दैट इन 1998 आई स्टार्टेड माय ओन बिजनेस. आज की डेट में आयुर्वेद के हम करीब करीब 50 प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर करते हैं और 85 प्रोडक्ट ऑल ओवर द इंडिया. अपना यूनियर ब्रांड है मेरा, यूनियर के नाम से यूट्यूब पे आप देखेंगे तो मोर देन 150 वीडियोस आपको हमारे मिलेंगी. करीब 15,000 से ज़्यादा लोग एसोसिएटेड हैं जो बेनिफिट ले रहे हैं, जो अर्निंग कर रहे हैं हमारी कंपनी से. एंड इसके अलावा नेपाल और कनाडा में भी हमने किया है. सो बिजनेस में आने के बाद जब यहाँ पर आए चीज़ों का पता लगा बिकॉज क्या पोटेंशियल है. सो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं. अब हमारे समाज को करना क्या है कि हमको खुद ही जागृत होना पड़ेगा, इस और सोचना पड़ेगा कि व्यापार में आकर हम अपना फायदा उठा सकते हैं. बहुत सारी स्कीम्स आज की डेट गवर्नमेंट में चल रही है, लेकिन मैं 4% रिक्वायरमेंट की बात करता हूँ कि जितने भी PSUs हैं या गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं वहां पर कंपलसरी 4% प्रोक्योरमेंट आपको SC ST एंटरप्रेन्योर से मैन्युफैक्चर से लेना होता है. लेकिन बड़े दुख की बात है कि हम 1% भी उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे, यानी कि जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो ही नहीं पा रही है. तो कहीं ना कहीं हमारी सोच की कमी है, कहीं ना कहीं हमारी दिशा की कमी है. हमारे समाज में क्या होता है कि अगर कोई व्यापार करना भी चाहता है तो उसको अरे रिस्क नहीं लेना है. हम रिस्क फ्री जिंदगी बचपन से जवानी तक और जवानी से मैच्योरिटी तक एक ही चीज समझाई जाती है कि अपने को पैदाइशी नौकर बनना है. और यही कारण है आज लाखों लोग हर साल निकलते हैं लेकिन उसके बावजूद नौकरियों की अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है. बिजनेस में आप देखें, अभी मैं कुछ लोगों के साथ पिछले महीने सिंगापुर क्रूज पे गया 22 लोगों को लेकर अपनी कंपनी के. तो मैंने वहां पर देखा कि उस क्रूज के ऊपर पूरा करीब 500 लोग थे तो उसमें से करीब 400 लोग हिंदुस्तानी थे. और उन 400 लोगों में से मैं आपको बताना चाहूंगा कि 400 लोगों में से शायद 350 लोग गुजराती थे. आप समझ रहे हैं? तो क्यों? क्योंकि बचपन से उनको जो गल्ला दिया जाता है, जो सीट दी जाती है, जो सिखाया जाता है बिजनेस के बारे में सिखाया जाता है. सो ये फर्क है कि एक आदमी 1.5 लाख रुपए खर्च करके घूमने के लिए जाता है और हम आज भी पढ़ा लिखे होने के बावजूद भी बहुत सारी चीजों में उलझे हुए हैं. तो मैं सिर्फ थोड़ी सी बात आपसे करना चाहूंगा, वी आर द बिगेस्ट कंज्यूमर. कांशीराम साहब कहा करते थे कि वी आर द बिगेस्ट कंज्यूमर. और हम कंज्यूमर किसके हैं? आज हम खा रहे हैं, पहन रहे हैं, उड़ रहे हैं, तो व्हाट एवर वी आर यूजिंग वो सब कुछ दूसरे लोगों से ले रहे हैं. एक वैश्य कम्युनिटी, बनिया कम्युनिटी को हमने इतना अमीर बनाया, हम और आप ही तो चला रहे हैं उनकी दुकानदारी. यस और नो? यस. सो अगर आप मार्टिन लूथर जूनियर की बात करें अमेरिका में, जैसे यहाँ पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है वैसे ही वहां पर कलर डिस्क्रिमिनेशन था. उन लोगों ने क्या किया, जब एक मूवमेंट चलाया बहुत बड़ा, उन्होंने कहा कि बी अ जॉब गिवर, बी अ टैक्स पेयर. तो सरकार के समझ में आया कि यस इनके लिए कुछ पॉलिसीज हम बनाते हैं. वहां पर भी वेलफेयर मिलता था. क्या वेलफेयर मिलता था? 2 रुपए का चावल मिल गया, ये मिल गया. तो जो चीजें थी वो अब धीरे धीरे बदलने लगी. उसके बाद ये हुआ कि जब ब्लैक्स ने व्यापार किया और डिसाइड किया आपस में कि हम ब्लैक्स का ही खरीदेंगे और ब्लैक्स को ही बेचेंगे, तो उससे हुआ ये कि एक इकोनॉमी क्रिएट होती चलेगी, वो व्यापारी बने. और आज अगर USA अमेरिका अगर एक बहुत बड़ी ताकत है तो वो इस वजह से ताकतवर है क्योंकि वहां पर ब्लैक्स ने भी पैसा कमाया. और थैंक यू वेरी मच. उसके बाद व्हाइट हाउस, जिसका नाम इसलिए रखा गया था कि उसमें सिर्फ व्हाइट्स ही आ सकते हैं, ब्लैक्स आर नॉट अलाउड, उन व्यापारियों की वजह से, उन बिजनेस ओबामा की वजह से 2009 के अंदर बराक ओबामा उस व्हाइट हाउस के अंदर गया. तो वो ताकत थी, पावर बनी वो उसकी. दोस्तों मिलिंद कार्ले साहब हमेशा कहते हैं, चेयरमैन हैं डिक्की के, पद्मश्री अवार्ड है, कितनी मीटिंग्स में उनके साथ अटेंड किया है सरकारों से, वो एक ही गुहार का, जिस देश का नागरिक, जिस देश का सिटीजन भिखारी रहेगा वो देश कभी ग्रो नहीं कर पाएगा. बहुत बढ़िया. हम लोगों को आदत छोड़नी पड़ेगी ये जो वेलफेयर की स्कीम्स आती हैं या इस तरह की चीजों को, और खुद डिसीजन लेना पड़ेगा. तो आज सबसे पहली चीज तो ये, अगर आपके घर में टीवी की जरूरत है तो आप अपने भाई को, किसी बहुजन समाज के व्यापारी को ढूंढो जो टीवी बेचता हो, उससे टीवी खरीदो.
आपको कपड़े की जरूरत है, आपके शादी के सामान की जरूरत है, आपको राशन की जरूरत है, तो जब ये समाज जो है 30 करोड़ की जो पॉपुलेशन अगर आपस में बिजनेस करेगी तो इस देश को हम बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं और अपनी पावर को भी बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे स्कीम्स हैं और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है आज की डेट में भारत सरकार ने इवन डिक्की का हमेशा ये रहता है कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, हाल ही में जो टेम्पो ट्रक ये चलते हैं, गैस टैंकर चलते हैं इंडियन ऑयल के, तो इसका एक स्कीम निकला, इसमें 24,000 के आसपास टैंकर्स निकले थे, लेकिन अभी तक इतिहास में क्या हो रहा था कि टैंकर्स के टेंडर निकलते थे और टेंडरों में ये कंडीशन हुआ करती थी, ये कंडीशन हुआ करती थी कि आपके पास टैंकर होना चाहिए तभी आपको लोन मिलेगा या टेंडर भर सकते हैं। डिक्की ने मिनिस्टर साहब से मिलकर, गवर्नमेंट से बात मिलकर ये कहा कि साहब हमारे लोगों के पास तो टैंकर इतने है ही नहीं तो कैसे लेंगे, तो अभी जो हमने किया है उसके अंदर 1500 लोगों को क्या 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 आप अप्लाई कर सकते हैं और टैंकर्स आपको मिल सकते हैं, और जैसे मैडम ने बताया है कि स्टार्टअप का जो लोन आपको 1 करोड़ तक का मिलता है उसमें 1500 लोगों ने टेंडर फिल किया और करीब करीब 1,10,00,000 का लोन सेंक्शन उनको हुआ है SBI के साथ में। दोस्तों समय की कमी है, मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूंगा, डिक्की में आज 10,000 लोग हैं जो एंटरप्रेन्योर बने हैं और 28 तारीख को दिल्ली के अंदर 200 लोगों को गाड़ियां डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, 7 साल का एग्रीमेंट है, 8,000 रुपये पर डे की इनकम, मशीनें सफाई करनी जो मैनुअल स्पेंजिंग होती थी वो बिल्कुल बंद करने के लिए डिक्की के साथ दिल्ली सरकार ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने काम किया, तो एक बड़ा अचीवमेंट है। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, जय भीम जय भारत।